एप्लीकेशन आ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये हमारे पेशेंट है, तीन चार दिनों से बीमार है, इसे सर्दी जुकाम हो गया है और डायरिया ऊपर से हो रखा है। तीन चार दिन पहले क्या हुआ था? हम लोग कहीं बाहर गए थे, तब से समस्या बनी हुई है। अच्छा, आपकी दिक्कत किस चीज से बढ़ रही है? कुछ ठंडा खा ले रहा हूँ या पी ले रहा हूँ, समस्या ज्यादा हो रही है। आपकी जो कंप्लेंस है उसमें आराम आपको किस चीज से मिल रहा है? आप ये सब पूछ रहे हैं, सीधा दवाई दीजिए। देखो, हमारी होम्योपैथी में ऐसे बीमारियों में कोई दवा नहीं है, हमारे होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज्ड पर बेस्ड है। मैं आपके सिम्टम्स को नोट कर लेता हूँ, उन सिम्टम्स को ड्रग के सिम्टम्स से मैच करा के फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगा। पर सर, कफ की तो बहुत सारी मेडिसिन हो सकती है, तो फिर हम चूज कैसे करेंगे? इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी डॉक्टर में, और उसके लिए मुझे चाहिए प्रूफ। तो मेरे बिल कर लीजिए, कुछ पैसा बन जाएगा। मानवता के लिए ऐसे आशीर्वाद मैंने होम्योपैथी में ही कर दिखाया। यह सत्य है, तभी आत्मसत्य के पूर्ण विश्वास पर कायम है। इसमें हम एक हेल्दी पर्सन पर ड्रग्स को प्रूव कर सिम्टम्स को चेक करते हैं, ताकि उसके बिहाफ पर हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें। आप हमको देखने में अनपढ़ लग रहे हैं, आप डॉक्टर भी कर तो लें, पर दिक्कत ये है कि आपको डेली हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं सिम्टम्स को नोट नहीं कर सकते। डेली बेसिस पर आएंगे तो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं आप नोट कर सकते हैं। और साथ ये कैनिया थोड़ा कम चलाया करो। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि इस धुएं की वजह से इस इंडिविजुअल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं उस इंडिविजुअल की छींकों की वजह से हालत खराब है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ओवर सेंसिटिव है इस धुएं पे। तो इस ओवर सेंसिटिविटी से रिलेटेड ही हैंडमिन सर ने एफोरिज्म 116-117 में इट इज अ ओवर सेंसिटिवनेस टू वन थिंग या समथिंग पर्टिकुलर किसी चीज के प्रति ओवर सेंसिटिव होना। तो उन्होंने इडियोसिंक्रेसी को दो पार्ट में एक हिसाब से डिवाइड किया है। उन्होंने कहा कि इडियोसिंक्रेसी दो तरह से होती है, पहली होती है इनहेरिटेड इडियोसिंक्रेसी। अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, और हमारा इंस्ट्रूमेंट है मेडिसिन। यानी अब हमें मेडिसिन के बारे में जानना है कि मेडिसिन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे बनती है, कैसे दी जाती है, कैसे सिम्टम रिकॉर्ड करे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक वर्ड लिखा है नो सेरोग्रेट्स। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हर पेशेंट एक इंडिविजुअल है, हर कोई एक इंडिविजुअल कैसे करना है और एडमिनिस्टर कैसे करना है ये भी देखते हैं। तो इसके पहले दो टर्म आता है, एक आता है इंडिजीनस प्लान और एक आता है एग्जोटिक प्लान। जैसे कि पहले प्रूवर को हम क्रूड फॉर्म में मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, और आपको ये सुबह शाम लेनी है, दो दिन बाद बताना है क्या सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं। इनको हम पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन दे रहे हैं और आपको सुबह खाली पेट ले रहे हैं 4 डोज़ेस के। आपके अंदर क्या सिम्टम्स आए? बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सुबह तो सर ही दर्द हो रहा था, दोपहर होते होते गले में दर्द, हाथ दर्द, शाम को तो पूरी बॉडी में दर्द होने लगी। डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ। जैसा कि आपने देखा प्रूवर से स्वयं ही कि पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन प्रॉपर सबस्टेंस ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और सिम्टम्स ग्रेजुअली आए। तो hence इस दोनों चीज से डिस्कशन ये निकलता है कि क्रूड फॉर्म ऑफ मेडिसिन से बेहतर है पोटेंटाइज फॉर्म ऑफ मेडिसिन लेना। मैं आप सभी को प्राइमरी रिएक्शन एंड सेकेंडरी रिएक्शन के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि एफोरिज्म नंबर 112 में डिस्कस किया गया है। हमारे सामने जितेंद्र है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्राइमरी रिएक्शन एंड सेकेंडरी रिएक्शन को समझेंगे। हमारे पास एक वाटर का बाउल है जिसमें हम जितेंद्र का हार्ट डालकर देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो बहुत गर्म है।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि इनका हाथ बहुत गर्म हो गया है। किधर के साइड हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है क्या आपको? कैसे बढ़ता है? अच्छा, तो ये मेडिसिन दीजिए, सुबह शाम चार चार गोली लीजिएगा, फिर बताइएगा कैसा रिजल्ट रहेगा मुझे। अरे हाँ, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, और अब मैं इनसे सिम्टम ले रहा हूँ, देखते हैं क्या ये सिम्टम दे पाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आसमान गुलाबी है और कुछ और कुछ नहीं, दिल में बहुत। तो देखा आपने, अभी इनके जितने सिम्टम्स आ रहे हैं सारे रोगियों वाले। कारण ये है कि जब भी नार्कोटिक सब्सटेंस का प्राइमरी एक्शन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, लॉस ऑफ इमिटिविटी। इसलिए नार्कोटिक्स में हम प्राइमरी एक्शन नहीं देखते। अगर वही हम कुछ टाइम इंटरवल में इनसे फिर मिलते हैं तब देखते हैं कि हमें क्या सिम्टम देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं। सर बहुत भारी लग रहा है। सर भारी लग रहा है और कुछ? पेट खाली लग रहा है। कुछ और महसूस हो रहा है? नहीं नहीं अब कुछ। और पैर वगैरह सब ठीक है? सब ठीक है। तो जैसा कि अभी टाइम इंटरवल कम था, अगर थोड़ा और मेडिसिंस के एक्शन क्या है, लेकिन मुझे तो इससे ड्रग सब्सटेंस की डोज, उसकी क्वांटिटी और रिपीटेशन से रिलेटेड को डिस्कस करना था। अच्छा, तो इससे पहले मुझे ये बताओ लास्ट डोजेस के प्रोवर पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? अच्छा, अगर स्टार्टिंग का पहला डोज सफिशिएंटली अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इससे हमें ये फायदा होगा कि सिम्टम्स के ऑर्डर ऑफ सक्सेशन हमें मिल सकते हैं। मतलब डोज देने के बाद पहला सिम्टम क्या आया, दूसरा सिम्टम क्या आया, तीसरा सिम्टम क्या आया, ये हमें पता चल जाएगा, जिससे हम एग्जैक्ट जो पीरियड्स के सिम्टम्स के वो हम नोट डाउन कर लेंगे। इससे हमें मेडिसिन के पावर की भी नॉलेज होगी और प्राइमरी एक्शन और अल्टरनेटिंग एक्शंस का भी सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो थी, क्या मॉडरेट डोज में सिम्टम्स के ऑर्डर नहीं हो पाएगा? हाँ, अफोरिस 130 में लिखा है मॉडरेट डोज में भी ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ सिम्टम मिल सकता है। अगर हम कि हमने मेडिसिन दी पेशेंट को और फिर उसके बाद उसमें कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिले, तो क्या बस एक बार मेडिसिन देने के बाद हम उन्हीं सिम्टम्स को मेडिसिन के सिम्टम्स मान लेंगे या फिर सेम मेडिसिन सेम पर्सन पे देंगे और उसके बाद अगर हमें सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं तभी हम उस सिम्टम्स को मेडिसिन के सिम्टम्स कंसिडर करेंगे? सो द आंसर इज यस, हम सिम्टम्स को कंफर्म करने के लिए फिर से सेम मेडिसिन देंगे और उस दौरान अगर हमें फिर से वही सिम्टम्स मिलते हैं तो इससे ये कंफर्म होता है कि यही मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। अब आगे चलते हैं, जब हमने ये कंफर्म कर लिया कि यही सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स हैं, तो अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो इन सिम्टम्स को या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रोजाना बढ़ते हुए डोज में ड्रग देंगे तो उस ड्रग के जनरल नॉर्मल सिम्टम्स हमें मिलेंगे, लेकिन उनको ऑर्डर ऑफ सक्सेशन नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि फर्दर डोज देने से प्रीवियसली डोज से आए हुए सिम्टम्स या तो रिमूव हो जाते हैं या फिर ठीक उसकी ऑपोजिट स्टेट या तो ठीक उसकी टोटली ऑपोजिट स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स को हम विद इन प्राइस ये जो भी प्रूविंग है क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मैं बताऊंगा, मैं इधर मैं इधर ऑन दैट टाइम हेलमेट वाज नॉट दैट क्लियर, ही वाज द मैन, ही यूज्ड द मेडिसिंस इंटरनली टू ट्रीट द लेप्रोसी इन 1530। Also we tried it for the first time, so I'm sorry, 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 I'm
लिए खत्म कर।